नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जिले के प्रभारी मंत्री ने मंडल पिपरिया भाजपा की बैठक ली। प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि सतत संपर्क संवाद अनवरत प्रवास संगठन विस्तार के लिए अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी पिपरिया मंडल की मंडल बैठक धामोखर पंचायत में जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे के मुख्य आतिथ्य में भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम अतिथियों ने कन्या पूजन किया। उसके बाद कार्यक्रम प्रभारी सुमित गौतम और मंडल अध्यक्ष सुंदर यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत भाषण भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे द्वारा किया गया। सभी कार्यकर्ताओं को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मतदान केन्द्र स्तर तक प्रवास की बात की गई। सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत परिचय प्राप्त करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री ने मतदान केंद्र की महत्ता को बताते हुए कार्यकर्ताओं को परिश्रम की पराकाष्ठा करने की सलाह दी। मतदान केंद्र स्तर पर कार्यकर्ताओं से अनवरत संपर्क संवाद करते हुए संगठन की रीति नीति को बूथ तक पहुंचाना ये एक सच्चे कार्यकर्ता की निशानी है। प्रभारी मंत्री अपने संगठनात्मक अनुभवों को साझा करते हुए समस्त कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर बैठक की और उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने इच्छा नवमी के उपलक्ष्य में भोजन प्रसाद भी ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानवती सिंह, जिला महामंत्री अरुण चतुर्वेदी, दीपक छतवानी, जिले के उपाध्यक्ष छोटे सिंह सुमित गौतम, एसडीएम तहसीलदार कार्यपालन अधिकारी मानपुर मंडल अध्यक्ष नागेंद्र पटेल और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कई ऐसे समय जब मंच पर खड़ा होता हूँ, मंच पर बोलता हूँ, तो मेरे ध्यान में आता है कि इन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज वो नीचे बैठे हैं और मैं ऊपर बैठा हूँ। अपने आप को पंडित नेहरू के सरकार में रहने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस पद को छोड़ दिए, क्योंकि नीतीश देश में हमारे गरीब किसान मजदूर शोषित परिवार के लिए योजना नहीं बन पा रही थी।